समझा लूंगी, अरे फैमिली की बात नहीं है सोनी तुम यार। एडजस्ट भी कर देख सकते हैं, तो मैं फैमिली को कह मैं दूंगी वो ऐसा एडजस्ट बंदा कर हूँ, मैं ऐसा लेंगे। बंदा हूँ देख, ना मैं अपने को खोना चाहता हूँ, ना तेरे को खोना चाहता हूँ, ना फैमिली को खोना चाहता हूँ। इनको सबको साथ में लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है ना? समझ रही है? तुम्हारी आंखों में आंसू आंसू आता है क्यों यार, आए, ऐसे आ क्यों जाता आए? है, आ नहीं हाँ, जाता है क्या सो? नहीं आ सकते, तेरी आंखों में आंसू किससे पूछ के आए, किससे पूछ के आए ये आंसू आ जाते हैं आंसू तो, आंसू तो क्यों क्या आए? है, आंसू में क्या है? जब बात फैमिली की आते हैं ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है, आ जाते हैं आंसू। इनको अंदर ले वापस, क्यों अंदर तो चले अंदर ले इनको जाए, वापस, खींच ये ले। ऐसे खींच। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। एंड आज है ना मेरे को वीर सम्राट से कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट, तो मैंने सोचा कि ना मैं कैमरा लगा लेती हूँ ताकि वो जो बात मैं उससे करूँगी तो वो आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि वो मैंने सही करा नहीं करा वीर के साथ में। अब करूँगी, आई मीन वो आ जाए, उसका वेट कर रही हूँ मैं, ठीक है? एंड आप लोग जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना वीर सम्राट। अरे मेरी जान, मैं कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं कर रही, अच्छा बस ऐसे ही बैठी हूँ यहाँ पे आके। अच्छी जगह नहीं है? मुझे पकड़ लो। ओके, ये अच्छी जगह लग रही है वैसे, शांति है यहाँ पे। इंसान अगर ज़्यादा टेंशन में हो, मतलब कोई बात उसको डिप्रेस कर रही हो, तो वो यहाँ आके बैठ जाए शांति में, अकेला बैठ के रो ले, जगह अच्छी है। तुम्हें क्या दिक्कत हो गई, हंस क्यों रही है? तुम्हें क्या दिक्कत? हाँ ये देख कितनी अच्छी फोटो है। अच्छा तो हूँ मैं, अच्छा लगता हूँ, बस थोड़ा ऐसे मूड अपसेट हो रखा है, इसलिए मैं फोटो अच्छी नहीं आ रही मेरी। क्या जुए मार रहे हो क्या? आते जुए मारने लग तुम्हारी गए। खोपड़ी में बाल बंदर कम, क्या बंदर वाली हरकत है ना, छोड़ोगे तुम? तुम्हारी खोपड़ी में क्या बाल कम दिख रहे ना, इसलिए मैंने सोचा यार सोनिया ऐसी ऐसे कैसे कर रही टकली की तरह, तुम्हारे बाल कम उठ गए। टेंशन किसके लिए रही हो, काहे की टेंशन हो रही है तुम्हें? जब भी घर पे जाती हो गंजी होकर आ जाती हो। टेंशन तो है यार, देखो तुम्हारी है, तुम्हारी फैमिली की है, मेरी फैमिली की है, मेरी टेंशन है, आगे फ्यूचर की टेंशन है। और तो क्या यार, तुमसे कुछ बात करनी थी यार बीबी। मेरे से? हाँ। और वो भी आपको बात करनी है? ओहो, आज कैसे टाइम निकाल लिया मेरे लिए? टाइम तो मुझे रोज ही रहता है, रोज ही बात करती हूँ, लेकिन मैं जब भी बात करती हूँ मैं सीरियस रहती हूँ, तुम मजाक में रहते हो, तो तुम मेरी बात को कभी सीरियस लेते ही नहीं हो, बल्कि तुम कभी सीरियस होते ही नहीं हो। तुम खुद की सिचुएशन में सीरियस रहते हो, मैं कोई बात करती हूँ तो उसमें 1% भी तुम सीरियस नहीं रहते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊँ, शांति माहौल है, यहाँ बैठ के बात करते हैं, ना कोई परेशान करने वाला व्यक्ति, ना कोई इंटरफेयर करने वाला। सही है, अच्छी बात बोल रही हो वैसे तुम, यहाँ पे बिल्कुल एकदम साइलेंट है। कोई ना, बोलो क्या बात करनी है? देखो मैं ये आज कह तुमने हक और रही, किस नहीं किया मुझे? हाँ लो कर लेती हूँ, भूल गई थी। नहीं हक और मैंने सीधे हमेशा हक और वो किस करते हो ना आप आके मुझे, तो आपने किया नहीं मेरे को वो तो आके। तुम भी कर सकते हो ना, क्या एक तरफा प्यार है क्या? मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा, हाँ एक तरफा प्यार है तो आपका। फिर तुम भी कर सकते हो हक किस, मेरे को जरूरी थोड़ी ना कि मैंने ही एग्रीमेंट साइन कर रखा है हक किस करने का। थोड़ा गुस्सा कम किया करो, वरना जो जो है उसको भी खोदोगे आप। तुम मत किया करो इतना तो मैं गुस्सा, बोल रहा हूँ, मैं मैं तो नहीं करती देखो कोई गुस्सा। गुस्सा बहुत खराब चीज है, यू नो। तुम्हारा भी, हाँ तुम्हारा भी गुस्सा बहुत खराब है। चलो छोड़ो ये सब जो बात है वो करते हैं ना। बोलो। अभी देखो मेरी फैमिली में ये सीन चल रहा है, मेरे पूरे घर वाले एक हुए थे परसों के दिन जब मैं घर पे थी, तो मैं भी घर पे गई थी। तुम्हारी मम्मी ने सुबह सुबह फोन किया था ना, वो क्या बोल रही थी? नोल का क्या बोल रही थी तुम्हारी मम्मी? मेरे को समझ में नहीं आया। अरे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पे जो होता है ना ऐसे फैमिली को सरपंच बुलाते हैं, अच्छा तो वो दिक्कत आ रही है अभी मेरे घर पे। तो मैं देखो मेरी फैमिली को ना ऐसे नहीं देख सकती यार अब, कैसे? अच्छा जैसे भी वो हैं मेरी वजह से। हाँ बल्कि मैंने हमेशा उन्हें छोड़ के तुम्हें चूज़ किया है मेरी लाइफ में। मेरे साथ तो 3 साल हुए तो मैं भी रहते हाँ हुए। तो मतलब उस टाइम की बता रही हूँ ना, 3 साल की बता रही हूँ, मैं उससे पहले की नहीं बता रही। उससे पहले तो ना तुम मुझे कभी मिले थे ना मैं तुम्हें मिली थी। अच्छा तो बोलना क्या चाह रही हो, साफ साफ बोलना। बोलना तो मैं ये चाह रही हूँ कि यार अब मैं ना मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। क्यों? हाँ अगर तुम इस रिलेशनशिप में एडजस्ट कर सको इस चीज़ को तो कर लेना, अगर तुम्हें व्लॉग बनाना है तो मैं आ जाया करूँगी बाहर, मैं व्लॉग बना लूँगी। एंड ऐसे तुम्हारे साथ लॉन्ग टूर पे जाना, तुम्हारे साथ ही रुकना, अब ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती। अच्छा हाँ
बल्कि मेरी फैमिली को ये सब कुछ पसंद नहीं है यार। मेरे घर में भी अभी एक छोटी लड़की है, मेरी भांजी रहती है, मैं नहीं चाहती कि उस पर इन चीज़ों का असर हो गया। किन चीज़ों का असर होगा? जैसे अभी मैं रह रही हूँ, मैं मेरी इच्छा होती बाहर चली जाती हूँ, मेरी इच्छा होती जब मैं घर पे आ जाती हूँ, मेरी इच्छा होती जब मैं तुमसे मिलना आ जाती हूँ, तो ये सब कुछ यार मेरी फैमिली में अलाउ नहीं है। मेरी फैमिली बहुत समझा करो यार, मेरे घर वाले तुम्हें पता ना कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। मेरे घर वाले भी अलाउ नहीं करते, वो तो किसी तुम लड़के हो यार, तुम लड़कों को हर एक चीज अलाउ होती है, ठीक है, हम लड़कियों को नहीं होती है। मतलब तुमने आदत डाल दी मेरे, मतलब तुम्हारे साथ रहने की, और आदत डाल के अब तुम बोल रहे हो कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। आदत ही तो है, दारू की भी तुम्हें एक आदत थी, नशे की आदत थी, छूट गई ना मेरे आती, तो मेरे जाने के बाद में भी तुम्हारी लाइफ में कोई आएगी तो वो सब कुछ छूट जाएगा ना, जैसे मेरी आदत थी छूट गई, बात खत्म। तुम्हारे लिए क्या प्यार मजाक ही है ये बता? तो तुम्हारे लिए क्या है? मेरे लिए प्यार प्यार ही है, ठीक प्यार है ना? प्यार ही है तो उस प्यार उसके को साथ समझो, रहना, उसकी केयर करना, केयर वेयर छोड़ो, ठीक है लेकिन ना? इस सिचुएशन को समझो यार तुम। अभी देखो कल को तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें कह दें, मेरे माँ बाप तो यहाँ खड़े हैं, तुम्हारी फैमिली यहाँ खड़ी है, तुम मैं इधर मेरे मतलब पापा के साथ खड़े हो, तुम्हारे मैं मेरी मम्मी पापा के साथ खड़ी हूँ, मेरे पापा कह दें कि आज के बाद तो इससे नहीं मिलेगी, फिर मेरे पापा अगर वहाँ झुक गए तो मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हें नहीं दे मतलब मैं तुम्हें अपनी साइड नहीं रख सकती ना, मैं वहाँ पे तुम्हें हटा दूंगी। मेरे को फैमिली की इज्जत प्यारी है, इज्जत तो प्यारी, इज्जत खराब कर कौन रहा ये बता? मेरी वजह से खराब हो जाएगी अगर एक मैंने चीज तुम्हें बता, नहीं छोड़ा तो। एक चीज बता, मेरे गांव में भी धीरे बोल। एक ही चीज़ अभी वहाँ फैल रही है कि मैं तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ, तो समझा करो उस चीज़ को यार। अब मैं नहीं रह सकती, मैं मेरे पहले नहीं मामा सोचा क्या मामी तुमने? नाना वागे नानी वगैरह ये सब कुछ पहले है नहीं ना, सोचा क्या तुम? इतने इतने नहीं ध्यान था ना मेरे को दिमाग में यार, फैमिली के लिए मैं नहीं सोचती थी पहले, तुम समझो इस चीज़ को। मैं लोगों को क्या बोलूंगा फिर, जो मेरे को देखती है, पसंद करती है, साथ में जो लोग अपन को पसंद करते हैं, तो लाइक मैंने करते कहा हैं। ना तुम्हें कि तुम इस चीज़ को एडजस्ट कर लो, रील्स बनानी व्लॉग बनाना चौपाटी पे आ जाएगा ना, अच्छा ऐसे परमानेंटली जो मैं चीज़ बोलता तुम्हारे हूँ ना साथ वो दिल नहीं से रहती, बोलता हूँ, ठीक है ना? तो मैं परमानेंटली नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ में। जो चीज़ तुम बोल रहे हो ना कि मैं आ जाऊँगी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए थोड़ी रख रखा तुम्हें, तो किस लिए रख रखा है तुमने? तुम्हें पता नहीं क्या किस लिए रहते हो मेरे साथ में? क्या है तुम्हारे साथ मेरा से तेरा मेरा संबंध? अपना संबंध भी है नहीं तेरे को क्या? पता नहीं क्या? देखो यार मैं भी है ना ऐसे खेल के तरीके से इस चीज़ को ना ली ले रही हूँ, ले रही हो तुम तो? नहीं ले रही हूँ मैं, मैंने सोच समझ के ये सब कुछ डिसाइड किया है कि एक बार मैं तुमसे बैठ के इस बारे में बात करती हूँ, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है ये तो बताओ कम मेरी से राय कम। तो यही है कि देखो, मेरे घर वाले अगर मेरे को बोलेंगे ना तो उस लड़की को छोड़ दे, ठीक है ना? तो देख, मैं घर वालों को साफ बोलूंगा, पापा मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता, उसको भी नहीं छोड़ सकता, मैं दोनों तरफ रहूंगा साथ में हमेशा। मेरी फैमिली मुझे ऐसे नहीं रहने दे रही है, क्या मैं रहूंगा तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ना तेरे को छोड़ सकता हूँ, ना माँ बाप को कभी नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ सकता मैं भी उनके नहीं पास। छोड़ सकती, लेकिन मेरी फैमिली इस चीज़ को नहीं मान रही पर है तू ना। आगे से मेरे को ऐसी चीज़ें बोल रही है, मैंने सोचा नहीं था कि तू अपने मुँह से ऐसी चीज़ें बोलेगी कि वीर मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तेरे को वीडियो वगैरह बनानी हो तो तू आ जाया कर, क्या मैं तेरे को वीडियो बनाने के लिए रखता हूँ क्या साथ में? इसलिए रह रही है तू मेरे साथ में? यार तो मैं ऐसे नहीं रह सकती अब, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। तू आके मेरे को बोल रही है, साफ साफ बोलना तेरे को ब्रेकअप चाहिए या तेरे मतलब मेरी वजह से कोई तुम्हारी बहनों बहन बहनों की सगाई वगाई ब्याह व्याह नहीं हो रहा, या तुम्हारे घर वाले ऐसी चीज़ें बोल रहे तुम्हें? तो तुम समझो ना मेरी प्रॉब्लम यार, तो मैं समझ रहा हूँ मैं प्रॉब्लम। ब्रेकअप नहीं कह रही ना, ब्रेकअप अभी करने मेरे के लिए लिए भी नहीं कह बोलते रही हैं, हूँ अभी मैं, मेरे नहीं लिए भी रही। लोग बोलते हैं कि भाई मम्मी पापा को बोलते हैं कि भाई उनका एक लड़का एक छोरी के साथ रहता है, वीडियो वगैरह बनाता है ऐसे वैसे। हाँ है, तो रहता तो सेम रहता है, सिचुएशन है बेबी, तुम्हें तो पता है। इसकी वजह से उसके जो उसका भाई है बड़ा, उसकी सगाई वगाई नहीं हो रही है, मतलब लोग भड़का देते हैं। मैं इन चीज़ों में माइंड रखता ही नहीं, दिमाग ही नहीं रखता। जिस दिन जो किस्मत में लिखा होगा ना वो मेरे भाई को भी मिल जाएगी, ठीक है ना? जो लोग बोलते हैं ना कि ये कि भाई तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो रही है, सगाई नहीं हो रही है, इज्जत ख़राब हो रही है, जो किस्मत में लिखा होगा ना वो ज़रूर होके रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरी किस्मत में बाहर रहना था, घर वालों से अलग रहकर रहना था, अच्छा और तुम्हारी बाहर किस्मत रह में रहा ये हूँ। था क्या कि मैं तुम्हें मिलूंगी? था तभी तो मिली है तो किस्मत में, क्या वरना चल क्या मिलती है? क्या नहीं था, अपन एक अनजाने में मिले थे, तो मेरी किस्मत में इतनी सारी प्रॉब्लम लिखी हुई तो वो आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्या ऊपर से लिख के आ चुकी है, भगवान ने भेजा इसलिए मुझे, और मैं मेहनत करूँगा ना तो भगवान ने, ये चीज़ मेरे को खुद पे इतना भरोसा है कि अगर मैं मेहनत करूँगा ना तो बहुत आगे चला जाऊँगा। मेरा दिल कहता है क्या ये चीज़? करो फिर तुम मेहनत। क्या
पर तू तो अभी मेरा साथ छोड़ रही है। मैं साथ कहाँ छोड़ रही हूँ, मैं तो बस देख रही थी कि तुम मतलब क्या बोलोगे मुझे इस चीज़ को लेके, क्या नहीं बोलोगे। फैमिली तो है, समझा लूंगी। पर फैमिली की बात नहीं है सोनिया, तुम एडजस्ट नहीं कर सकते तो मैं फैमिली को कह दूंगी वो एडजस्ट कर लेंगे। मैं ऐसा बंदा हूँ देख, ना मैं अपने को खोना चाहता हूँ, ना तेरे को खोना चाहता हूँ, ना फैमिली को खोना चाहता हूँ, इनको सबको साथ में लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है ना, समझ रही है। तुम्हारी आंखों में आंसू आंसू तो आता है, क्यों आए ऐसे आ जाते, क्यों आए, आ नहीं जाते क्या, नहीं आ सकते तेरी आंखों में आंसू, किससे पूछ के आए किससे पूछ के आए ये आंसू, आ जाते हैं आंसू तो, आंसू तो क्या है, आंसू में क्या है, जब बात फैमिली की आते है ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है, आ जाते हैं आंसू। अंदर ले वापस, क्यों अंदर तो चले, अंदर ले इनको वापस, खींच ये ले, ऐसे खींच, ऐसे ऐसे खींच, खींच लिया ना, चले गए आंसू नहीं गए, अभी भी आ रहे मुझे तकलीफ। अरे वो तो ऐसे ही है थोड़ा, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं फेस प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम ही तो है साली, एक नहीं तो दो आती, कितनी प्रॉब्लम आई जब अपन साथ में रहते थे, लोग पीछे पड़े थे मारने के लिए यार, कितनी प्रॉब्लम सहन करी है तुमने, अपने थे यार, थे ना प्रॉब्लम ही थी ना एक साइड से, वो भी अपने, कैसे 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 लोगों ने अपन को बुरे दिन दिखाए, जिनसे उम्मीदें नहीं थी उन लोगों ने बुरे दिन दिखाए, अच्छा हुआ ना वक्त से पहले भगवान ने ऐसे लोगों को दूर कर दिया अपनी लाइफ से। अभी तो बहुत लोग आने और जाने, तो बस यही चीज मैं तुम्हें कह रही हूँ, और ऐसा कुछ बहुत कम लोगों को भगवान ने ना ऐसे प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है ना, तुम जहाँ पे प्लेटफॉर्म की छोड़ो, देखो मैंने ना मेरी लाइफ में सपने देखे सारे है, पता है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग है कि मतलब ऐसे सोचते कि यार कि नहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, बट करने के लिए उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना गैजेट, वो नहीं होते इनके पास, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने सोच रखी थी करना है मुझे करना है, कैसे भी किया, लोगों से मांग मांग के किया, लोग ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें बोल देते हैं मुझे, फिर भी मैंने किया है और आज इस लेवल पर हूँ, लोग तरसते ऐसी जगह आने पर, आज इतना वायरल हो गया, इतना फेमस हो गया अपन हर जगह इंस्टाग्राम पर, और तुम बोल रहे हो कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो फिर मतलब मैं मतलब हर जगह लड़का गलत होता है, मेरे लिए लोग ऐसा बोलेंगे कि वीर सम्राट ने सोनिया को धोखा दे दिया, वीर ने कुछ किया होगा शायद, आई थिंक क्या वीर सम्राट ने पहले भी बहुत सारे लड़कों के साथ वीडियो बना रखी है चिपक चिपक के, क्या पता सोनिया को पता लग गया होगा, चीट कर रहा होगा, इसलिए सोनिया उसको छोड़ के जा रही होगी, लोग है ना हमेशा लड़के को गलत समझते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि लड़का ही गलत हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या ठीक है, यहाँ पे बैठ गया शांति से, और रही बात की तो तुम पकड़ लो ना मुझे, तुम मुझे ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहे हो कि भाई कि वो मतलब मेरे को तुम्हारे साथ नहीं मिला, तुम्हारे पापा ने अगर कुछ बोला तो तुम मेरे को मेरे साथ शेयर कर सकती है ना, बता सकती है, पापा मुझे ये कह रहे थे कि या तो उस लड़के के साथ में देख रह ले या फिर अपनों घर वालों को देख ले, अगर हमारी इज्जत खराब हुई ना तेरी वजह से, पापा को बोल, पापा को बोल चलो ठीक है, चलो ठीक है आपकी इज्जत खराब हो चुकी है, मान लो हो गई इतने टाइम से, 3 साल से मेरे साथ रह रही थी, चलो इज्जत हो गई खराब, और कौन सी इज्जत खराब होगी ये बता, अब तू छोड़ के जाएगी ना मेरे को, और अगर किसी और लड़के से शादी करेगी ना उससे ज्यादा ना उससे ज्यादा तेरी इज्जत खराब होगी, तो क्या मैं क्या शादी करने के लिए तो ना छोड़ रही हूं, लोग तेरे को क्या बोलेंगे, तू अगर मेरे को छोड़ के किसी और से शादी करेगी तो लोग तेरे लिए कितने गंदे गंदे कमेंट करेंगे कि आज वो 3 साल उस लड़के के साथ रहती थी, ठीक है ना, पता नहीं क्या होगा उनके बीच में ऐसा वैसा, और अब इससे इसके साथ रह रही है शादी करी है, तो उसमें तुम्हारी रेपुटेशन डाउन होगी, ठीक है, मेरी वो रेपुटेशन नहीं है, एक लड़की की मजबूरी होती है, ठीक है, वो अपने माँ बाप के हाँ के पीछे है ना अपना प्यार खो देती है, ठीक है, और जरूरी नहीं है मैं तुमसे मूव ऑन कर रही हूँ, तुम्हें किसी और से शादी करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरी लाइफ में ना तुम आए हो, उसके बाद में कोई नहीं आएगा, ठीक है, चाहे मैं तेरे को छोड़ दूँ कुछ भी हो, तेरे से लड़ लूंगी कर लूंगी लेकिन गुस्सा कम नहीं करूंगी, है ना, कहाँ लड़ रही हूँ मैं तेरे से, तू तेरा गुस्सा कंट्रोल में, मैं कहाँ लड़ रही हूँ तेरे से, क्या तो हम मतलब हर जगह लड़ने लग जाते हैं, क्या गिना दी तुमने ये बात मुझे, कहाँ गिना दी, कौन सी बात गिना दी, क्या कह रहे हो कि हर बार हर जगह तो लड़ने लग जाती है, मैंने क्या बोला अभी, क्या बोला, क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ लड़का है, तुम कह रहे हो ना मुझे, क्या बोला, फिर लड़ने लग गई थी, मैं लड़ने लगी, मैं बता रही हूँ, तो क्या बता रही मेरे को जो तुम बोल रहे हो, सही है यार, बढ़िया है, और रही बात तुम्हारे को छोड़ने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कैमरा लगा रखा है मैंने और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई छोड़ वोड़ के नहीं जा रही हूँ तुम्हारे को, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हम मैं अलग हो रही हूँ ना ये अलग हो रहा है, मैं तो बस सोच रही थी कि अगर मैं इससे ऐसी कोई बात बोलूँगी तो इसके ओपिनियन क्या है, तो मैंने देख लिया इसके ओपिनियन क्या है क्या नहीं है, देख लिया, हाँ सुन भी लिए, तो आप लोग प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ यार आप लोगों की सपोर्ट की